हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी बुक। प्रीवियस वीडियो में हमने सेवन चैप्टर फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन किया था। उसमें बताया था कि चैप्टर में कौन कौन सी टर्म यूज होगी और कौन कौन से रूल लगा के हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन देखना बहुत ही ज़रूरी है। जिस बच्चे ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, पहले इंट्रोडक्शन देखिए, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। चलो कल इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था फ्रैक्शन एडिड में रिप्रेजेंट करना। चलो हम देखते हैं कितना याद है। पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड द सेडिड पोर्शन। हमें फ्रैक्शन बिन को रिप्रेजेंट करना है जो सेडिड पोर्शन है उसका। ए पार्ट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेडिड पोर्शन को, इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से समझाया था। चलो एक बार रिपीट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन इसमें सेडिड पोर्शन में फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे क्या लिखते हैं, इसको इक्वल पार्ट्स में नंबरिंग दे देते हैं, 1, 2, 3, 4। तो कितने टोटल पार्ट है, 4 टोटल पार्ट है, तो 4 को हमने नीचे लिख लिया। अब सेडिड पोर्शन कितना है, 1 और 2, 2 सेडिड पोर्शन है, तो क्या हो गया, 2/4 हो गया। जैसे एग्जाम में हमें मार्क्स मिलते हैं तो नीचे तो क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, जो हमें मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं। ऐसे ही जितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो पार्ट्स तो हम नीचे लिखेंगे, और जिसमें सेडिड कर रखा है वो पार्ट हम ऊपर लिखेंगे। तो टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो टोटल क्या हो गया, 4 पार्ट्स हो गए, तो नीचे क्या आएगा, 4। अब सेडिड पोर्शन कितना है, 1, 2, 2 पोर्शन क्या है, सेडिड है, तो क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 2/4 आ गया। चलो बी पार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसका फ्रैक्शन लिखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जितने इक्वल पार्ट्स होते हैं टोटल, वो तो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब हम ऊपर क्या लिखेंगे, जितने सेडिड पोर्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पोर्शन क्या है, सेडिड है, तो 8 पोर्शन सेडिड है वो तो न्यूमरेटर में आएगा, और जो टोटल जितने इक्वल पार्ट्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो सेकंड पार्ट का क्या फ्रैक्शन आया है, 8/9 आया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, पहले तो हम टोटल काउंट करेंगे कितने हैं इक्वल फ्रैक्शन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने इक्वल पार्ट्स है, टोटल 8 इक्वल पार्ट्स है, तो टोटल को हम किस में लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, कि कितने पार्ट को सेडिड किया गया है, 1, 2, 3, 4, तो 4 पार्ट को सेडिड किया गया है, तो ये क्या आ जाएगा, 4/8 आ जाएगा, हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 4/8 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट काउंट करो, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1, 2, 3, 4, कितने पार्ट्स है टोटल इक्वल पार्ट्स, 4। ध्यान रखना, फ्रैक्शन डिनोट करने के लिए किसी होल ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है तो वो फ्रैक्शन नहीं लिख सकते हम उसका। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जितने इक्वल टोटल पार्ट्स में डिवाइड है वो, और न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, कितना पोर्शन सेडिड है इसका, 1 पोर्शन सेडिड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/4 आ गया। आई होप ये अच्छे से समझ आ रहा है। वैसे इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और अब भी बता दिया है कि कैसे करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है,
कितने पोर्शन है, सबसे पहले क्या काउंट करेंगे टोटल पोर्शन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल पार्ट कितने हैं सेवन है। अब शेडेड पोर्शन कितने हैं, तो सेवन तो हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब क्या करेंगे, कितने शेडेड पोर्शन है, वन टू और थ्री, थ्री शेडेड पोर्शन है वो न्यूमिनेटर में लिख दिया। तो टोटल पार्ट तो कहाँ लिखते हैं हम, डिनोमिनेटर में नीचे लिखते हैं, और जिसमें शेडेड कर रखा है वो पार्ट हम ऊपर लिखेंगे। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, थ्री अपॉन सेवन आ गया। नेक्स्ट सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में टोटल काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, टोटल कितना दिया गया है ट्वेल्व दिया गया है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया टोटल, क्योंकि टोटल मार्क्स कहाँ आते हैं डिनोमिनेटर में आते हैं। अब शेडेड पोर्शन काउंट करो कितना है, वन टू थ्री, थ्री शेडेड पोर्शन है तो हमारा न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा थ्री। ऊपर तो शेडेड पोर्शन लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, जितने भी टोटल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, थ्री अपॉन ट्वेल्व आ गया। अब नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट में पेंसिल दे रखी है, तो काउंट करो कितनी टोटल पेंसिल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टोटल पेंसिल कितनी दे रखी है टेन दे रखी है, टेन पेंसिल से दे रखी है। और ऊपर शेडेड पोर्शन कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सारा का सारा पोर्शन क्या दे रखा है शेडेड, तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया टेन अपॉन टेन, मतलब सारा ही जो टोटल इक्वल पार्ट से सभी में शेडेड कर रखा है। नेक्स्ट एट्थ पार्ट में ट्रायंगल्स दे रखी है, पहले टोटल ट्रायंगल्स काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, कितनी ट्रायंगल्स दे रखी है नाइन। डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया टोटल इक्वल पार्ट्स में जितनी भी ट्रायंगल है वो लिख दी, टोटल कितनी है नाइन। अब न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन कितना है, वन टू थ्री फोर, तो न्यूमिनेटर में क्या लिख देंगे फोर, हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया फोर अपॉन नाइन, हमारा फ्रैक्शन आ गया। नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट में क्या करेंगे, टोटल काउंट करो, यहाँ से काउंट करने लग जाओ, टिक कर लेना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टोटल पार्ट्स कितने हैं एट, और सारे के सारे इक्वल पार्ट्स हैं, तो नीचे क्या लिख दिया एट। अब ऊपर क्या लिखेंगे, जितने शेडेड में है, वन टू थ्री फोर, कितने फ्लावर शेडेड में है फोर, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया फोर अपॉन एट, हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब हम टेंथ पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसमें कैसे करेंगे, टोटल पार्ट कितने बराबर इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, तो ये पूरा वन पार्ट ये और ये वन पार्ट ये, तो टोटल पार्ट कितने हो गए टू पार्ट्स हो गए। अब शेडेड कितना है, इसमें एक पोर्शन शेडेड है, तो न्यूमिनेटर में क्या लिख देंगे वन, तो फ्रैक्शन क्या आ गया वन बाई टू। हमें क्या करना है कि हमें शेडेड पोर्शन जो भी दे रखा है वो तो हम न्यूमिनेटर, जितने पार्ट्स को शेडेड कर रखा है वो तो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो टोटल इक्वल पार्ट्स है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अगर याद ना रहे तो इसे याद रखना, क्योंकि जो हमें स्कूल में मार्क्स मिलते हैं तो नीचे क्या लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, टोटल मार्क्स लिखा जाता है। जैसे हमारे पास, हमें 50 में से 45 मार्क्स आए हैं, तो 50 को क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है कि 50 में से 45 मार्क्स आए हैं।
तो 50 तो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, मतलब टोटल पेपर कितने का है, 50 का है। तो टोटल हमने कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में, और ऊपर जो भी पोर्शन है जो हमें मिला है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, टोटल पार्ट्स कितने हैं वो डिनोमिनेटर में लिखने हैं, और जो सेडेड पोर्शन है वो न्यूमिनेटर में लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं, सेडेड पोर्शन को नीचे लिख देते हैं और इक्वल पार्ट्स को ऊपर लिख देते हैं न्यूमिनेटर में, इससे हमारा फ्रैक्शन गलत हो जाता है। तो हमें याद रखना है कि जो सेडेड पोर्शन दे रखा है वो न्यूमिनेटर में लिखना है, और जो टोटल इक्वल पार्ट्स है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये हमारा 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका सेकेंड क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।